के लाइए, मंत्री पद ले जाइए, साथ में दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाइए। तो यहाँ के लोगों को क्या इस बात की जानकारी है? आप लोगों की बात होती रहती है लोगों से? जानकारी तो लोगों को है कि इसीलिए दौड़ारी हो रही है इन लोगों की कि अगर हम घोसी चुनाव जिता देते हैं तो हमको मंत्री पद मिल सकता है, इसीलिए मेहनत हो रही है। पल्ला किसका भारी लग रहा है यहाँ पर अभी तक का, जो अभी तीन दिन हालांकि चुनाव प्रचार को बाकी हैं, पल्ला किसका भारी लग रहा है? पल्ला तो भारी, देखिए अभी यहाँ कुछ समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि कौन आदमी कहाँ पे बोल रहा है। कभी सपा भी बोल रहा है वही आदमी, वही भाजपा भी बोल रहा है, और प्रशासन सारे मंत्री और ये सब ला के यहाँ पे इतना ढा दिया है कि जनता तो इससे उब चुकी है अभी। मतलब जो मंत्रियों के दौरे लग रहे हैं उससे जनता परेशान है? जनता परेशान हो चुकी है, लेकिन आने जाने में दुश्वारी है, सड़कें जाम हैं, आने जाने में दुश्वारियाँ हो रही हैं, लोगों का आवागमन परेशान है, ये काफ़ी दिक्कत हो रही है। और भी तमाम लोग हैं, आप तो पुराने पत्रकार हैं, तमाम चुनाव देखे होंगे आपने, बहुत सारी चीज़ें अपने आंखों से देखी होंगी, सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं, कभी ऐसा माहौल नज़र आया घोसी का जैसा इस बार का है? नहीं, जैसा इस बार है ऐसा कभी नहीं आया था नज़र। और क्या बताएं? यही जानना चाह रहे हैं कि यहाँ के जनता का क्या मूड लग रहा है, आप लोगों की तमाम लोगों से रूबरू हो रहे हैं तो क्या मूड लग रहा है? जहाँ तक मेरा अध्ययन है, वैसे मैं इस विधानसभा क्षेत्र का नहीं रहने वाला हूँ, मैं मधुबन विधानसभा के निवासी हूँ, लेकिन जो अनुमान मेरा है कि बसपा ने जो कैंडिडेट नहीं उतारा है तो बसपा का बेस वोटर जो है उसका मूल वोटर जिधर अधिक संख्या में जुटेगा, और इसके साथ साथ जैसे जो छोटी छोटी कम संख्या वाली जातियां हैं, नाई लोहार कुहार बढ़ई बारी माली, ये एक मुश्त जिधर जुटेगा ज़्यादा संख्या में, जीत उसी की होगी। अभी तक का जो माहौल था वो बाहरी बनाम जो है वो अपना ये चल रहा था, तो इसका मेरा मानना नहीं है। नहीं, बाहरी या लोकल वाला जो है, लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर बाहरी ही यहाँ से जो है वो माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय फागू चौहान जी या फिर ये इतने लंबे समय तक यहाँ के नेता नहीं बन पाते, ऐसा कुछ नहीं है। चलता है, चर्चा होती है, लेकिन असर नहीं जमाता है। लेकिन जो है लड़ाई कांटे की है, टक्कर की है, और कुछ एक राजसत्ता में जो पार्टी है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सत्ता के लिए चुनौती है, मंत्रियों की बता रहे हैं कि मंत्रियों के आमद रफ्त से यहाँ उनकी चहलकदमी से लोगों को दुश्वारियाँ हो रही हैं, इसलिए तो चुनौती है।